हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। स्टॉक इन स्पॉटलाइट में आज हम बात करने वाले रिलायंस फ्यूचर डील की नई अपडेट के बारे में। फ्यूचर रिटेल ने सेबी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें आप हमारी जो डील रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में जो डील हुई है उसमें आगे बढ़ने दें। और साथ ही साथ अमेजोन ने भी एक सेबी को ऑर्डर लिखा है जिसमें बताया है कि उन्होंने कहा है कि सिंगापुर में जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसमें जो ऑर्डर पेंडिंग है उसे आने दें, उसी के बाद हम उन्हें डील में आगे बढ़ने दें। तो इस तरह की कुछ बातें सामने निकल के आई है, जानेंगे पूरे इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्यूचर रिटेल ने सेबी को क्या बोला है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर जिसका हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं चाहे तो आपको आई बटन पर डाल दूंगा, बट जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो सेबी और सीसीआई के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा कि अब आप लीगैलिटी जो प्रूव करनी है रिलायंस और फ्यूचर रिटेल डील की वो सेबी और सीसीआई को मिलकर करनी है। तो अब सीसीआई से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है फ्यूचर रिटेल को, जबकि सेबी से ऑर्डर मिलना बाकी है। तो अब फ्यूचर रिटेल ने अपना एक लेटर लिखा है और उसमें बोला है एनएससी और बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको बोला है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सेबी अपना ऑर्डर जारी करे। और 29 अगस्त को उन्होंने साथ ही साथ एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास किया था कि हम एक डील जो पूरा रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में जो डील है वो होने वाली है, तो अब उसे मंजूरी दी जाए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है। तो अब आपके ऊपर सब कुछ है। तो सेबी को बोला गया है कि फ्यूचर रिटेल के द्वारा कि आप हमारा ऑर्डर पास करें। नाउ अमेजोन ने सेबी को क्या बोला है उस पर बात कर लेते हैं। तो amazon.com जो कि हमारी यूएस की जो बड़ी कंपनी है उसने वहां पर ऑर्डर पास किया है और उन्होंने बोला है कि जो सिंगापुर का आर्बिट्रेशन कोर्ट है जहां पर की हियरिंग पेंडिंग है फ्यूचर ग्रुप कंपनीज से के मर्जर से रिलेटेड जो पूरा केस चल रहा है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि आप प्लीज इस सेबी को बोला है कि आप प्लीज इस पूरे जो स्ट्रक्चर ऑफ डील है उसको अभी होल्ड पे रखें ताकि जिस तरह से वहां का जो ऑर्डर आएगा उसी को इनकॉर्पोरेट करके आप अपना ऑर्डर निकालें ताकि इस तरह की चीजें बार बार ना आए, क्योंकि पहले भी इस तरीके की बात हुई है। तो अभी उन्होंने बोला है कि पहले सिंगापुर का फाइनल जजमेंट आने दें उसी के बाद डालें ताकि ये डील एक बार होल्ड पे चली जाए। तो इस तरह की कुछ बातें सेबी को लिखी गई है अमेजोन और फ्यूचर रिटेल के द्वारा। आप इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। थैंक यू सो मच।